कुल 36 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए गजानंद शर्मा, वही हिंदुस्तानी मछुआरा जिसे सिर्फ 2 महीने की हुई थी सजा। जानिए क्या है पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आपके अपनी चैनल TMS मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरें लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल TMS मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। भारतीय मूल की नागरिकता रखने वाले गजानंद शर्मा हाल ही में 36 साल के बाद अपनी सरजमी यानी कि भारत वापस लौटे हैं। गजानंद शर्मा वही शख्स हैं जो पिछले 36 सालों से पाकिस्तान के लाहौर की जेल में कैद थे। पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले सद्भावना दिखाते हुए 27 मछुआरों समेत 30 भारतीय कैदियों को जेल से रिहा किया। रिहाई के बाद ये सभी भारतीय पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। इस पर अटारी वाघा सीमा पर पहुंचे सहदेव शर्मा ने कहा, यह स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा हमारे पूरे देश के लिए एक उपहार है। हैरानी की बात यह है कि गजानन को सिर्फ 2 महीने की सजा हुई थी, लेकिन काउंसलिंग एक्सेस नहीं होने के कारण वो 36 साल से जेल में बंद थे। गजानन 1982 में अचानक घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद बहुत समय बाद उनके परिवार को उनके पाकिस्तान जेल में होने का पता लगा। जब इस बात की पुष्टि की गई तो पता चला कि वो पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद हैं। गजानन जब गायब हुए थे तब 32 वर्ष के थे, आज वो 68 वर्ष के हैं। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश की जेल में बीता है। पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और सद्भावना दिखाते हुए उन्होंने इसी वजह से भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया है। खबरों के मुताबिक 418 मछुआरों समेत 470 भारतीय पाकिस्तान की जेल में बंद है। हाल ही में भारत से भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक रिहा किए गए हैं जिन्होंने अपने देश जाने से इनकार कर दिया है। 16 साल के अशफाक अली को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। जब पिछले महीने उन्हें छोड़ा गया तो उन्होंने वापस अपने देश जाने से मना कर दिया। समय समय पर ऐसा होता रहता है कि दोनों ही देश अपने अपने जेल में बंद एक दूसरे के कैदियों को छोड़ते रहते हैं, जो कि सद्भावना का प्रतीक बताया जाता है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए अब इन खबरों से इजाजत, मिलेंगे जल्दी ऐसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।